हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आईसीसीआर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज ऑन द वे। आपका 14 फरवरी को आईसीसीआर का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का एग्जामिनेशन है। जो लोग भी आईसीसीआर का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, और बीआईएस और आईसीएमआर के छात्रों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हूएवर इज गोइंग टू अपियर फॉर आईसीसीआर स्किल टेस्ट सीपीटी ऑन 14th ऑफ फेब, for them as well as for the students of BIS and ICMR, this video is very very useful and very very helpful. So friends, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे MS PowerPoint का जो क्वेश्चन है, जो ICCR ने प्रोवाइड किया है, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। दिस वीडियो विल बी बोथ इन bilingual, इट विल बी इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। ईच स्टेप विल बी एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेजेस। सो द फ्रेंड्स हु आर लिसनिंग इन इंग्लिश, डोंट बी टेंस्ड, you will also get something, okay? So friends, ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए, ठीक है, जो भी टेस्ट हुआ है सब हुआ है, जो लोग चैनल पर नए हैं पहले तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को सभी वीडियोस अच्छे से मिल सके। और आपको अगर बाकी वीडियोस चाहिए बाकी के सॉफ्टवेयर के ऊपर, MS PowerPoint, MS Excel और MS Word के ऊपर, तो आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्लेलिस्ट पर विजिट करना है और वहां पे जाना है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और आई बटन पे भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, वीडियोस को। तो वहां पे जाकर आप लोग सभी के बारे में वीडियो जान सकते हैं जो आपको चाहिए। एंड एनी डाउट यू हैव यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू नीड द वीडियो काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। And anybody who has the, who is going to appear for skill computer proficiency test and has the examination on 13th of Feb, kindly inform in the comment section. किसी का 13th of Feb में है। तो दोस्तों आपके पास अभी आज का दिन है 10th, 11th, 12th and 13th. तो 4 days you have remaining. So do practice more and more. Practice कीजिए दोस्तों। देखिए questions कहीं से भी आ सकता है. Okay? Some of you are querying that questions can may be advanced level. So there is no advanced and there is no basic level. See friends, if you are clear about all the tabs, all the functions of the tabs, like here you can see home tab, insert tab, design, transition, animation, slide show, review view. These are the tabs. ये आपके पास tabs है। अगर आप tabs के बारे में जानते हैं अच्छे से, सभी tabs को आप explain कर सकते हैं, खुद से आप लोग try कर सकते हैं, try किए हैं, practice करके उसके ऊपर मतलब थोड़ा research work किए हैं, R&D किए हैं और उसमें कुछ use किए हैं जो आपको पता चल रहा है, आप use कर सकते हैं। If you can use the tabs, you know the how they are used, how when they are used, then everything is easy for you. आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस। वन मोर थिंग, इफ यू नीड द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द टैब्स एंड एवरीथिंग, काइंडली वन वेरी इजी इट इज फॉर यू, यू कैन इजीली ऑप्ट फॉर द सीपीटी मॉड्यूल कोर्स। सीपीटी मॉड्यूल कोर्स आपके पास है जो कि मात्र 49 रुपीज, वेरी मिनिमल कॉस्ट, इट इज ओनली 49 रुपीज, वन टाइम पेमेंट, एक ही बार पेमेंट करना है आपको। एंड द वीडियोज विल बी recorded videos you will get where all the things will be explained. And for the doubt conversation, you can ask your doubts in WhatsApp. WhatsApp में आप लोग doubts पूछ सकते हैं, अभी भी आप लोग ले सकते हैं। कोई भी exam आप लोग देने जा रहे हैं सभी के लिए CPT का ये module course है। Here mock test will be included. Mock test यहाँ पे रहेगा, लेकिन mock test is not the prime focus here. Mock test यहाँ पे prime focus नहीं है। The prime focus is you should be a good learner, you should be a expert in the all the three application software. So सभी tabs के बारे में अगर आप लोग जान लेंगे तो आप लोग expert ऐसे ही बन जाएंगे, okay? Then you can try. See, mock tests are available everywhere in YouTube. सभी जगह में available है, आप easily जाकर वहां से mock test solve कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी की वजह से ज्यादा important ये बन जाता है कि आपका proficiency आना चाहिए, okay? Mock test will be there, it is going on, okay? The course is still running, course अभी चल रहा है, ऐसा नहीं कि course बंद हो चुका है, and the registration is open for all. And for the payment method, you will get the payment link, you can get in the description box. Description box में payment link आपको मिल जाएगा, I button पर जाकर आप लोग video check कर सकते हैं, क्या-क्या मिलेगा course में, कैसे payment करना है. After doing the payment, you just need to do one thing, 9777956222, ये जो नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, 9777956222. यहाँ पे आप लोग जाइए, यहाँ पे इस नंबर पर आप लोग अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना नाम भेज दीजिए, बस आपको कंटेंट सही पे मिल जाएगा। देर इज नो ग्रुप इन द व्हाट्सएप, ओनली दिस यू हैव टू सेंड योर स्क्रीनशॉट, पेमेंट स्क्रीनशॉट अलॉन्ग विथ योर नेम टू आवर व्हाट्सएप नंबर विच आई हैव टोल्ड नाउ, 9777956222. दिस नंबर विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके? And all the contents you will receive here. There is no WhatsApp group. Individually, you will be receive all the contents. And for one-to-one conversation doubt, you need to ask your doubts in the WhatsApp. You will be cleared within at the earliest. Okay. इस तरीके से है, तो बिल्कुल से आप लोग कीजिए, practice कीजिए, okay? And आप लोग को किस application software में doubt हो रहा है, the in which software you have doubt,
ओके इन एमएस वर्ड और पीपीटी और एक्सेल काइंडली इन्फॉर्म मी सो दैट आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन. ओके आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ओके इस तरीके से आप बताइए और जिनका भी एग्जाम है ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. बी काम एंड बी फोकस्ड. ओके चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. लेट अस सॉल्व द पावर पॉइंट क्वेश्चन. तो दोस्तों देखिए ये जो आपका एमएस पावर पॉइंट का एक क्वेश्चन दिया गया था ICCR के तरफ से इसी का वीडियो हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज. सो फ्रेंड्स दिस वीडियो विल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. इट विल बी बाइलिंगुअल फॉर बोथ द स्टूडेंट्स. आई विल एक्सप्लेन ईच स्टेप इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. ओके सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन एक्सरसाइज विच वॉज गिवेन बाई प्रोवाइडेड बाई ICCR इन देयर सैम्पल क्वेश्चन फॉर CPT. ओके सो फर्स्ट पॉइंट यूज द सेम डाउनलोडेड पीपीटी फाइल एंड स्टार्ट योर एक्सरसाइज बाई एडिंग न्यू स्लाइड्स एट द बॉटम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव बीन गिवेन दीज स्लाइड्स. यू हैव डोंट हैव टू डिलीट दीज स्लाइड्स. यू हैव टू एड अ न्यू स्लाइड बिलो दिस एंड स्टार्ट योर एक्सरसाइज. आपको इसको किसी को डिलीट नहीं करना है. आपको लिंक पर क्लिक करना है तो आपको ये पीपीटी खुल जाएगा और यहाँ के नीचे से आपको स्टार्ट करना है नया स्लाइड एड करके. ठीक है at the bottom. So reproduce the content of this sample picture by following the instructions below. So these instructions you have to follow and you have to reproduce exactly the same what it is shown here. जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही आपको reproduce करना है. Okay? So friends, let us start now. पहले हम start करते हैं. तो create a new slide बोल रहा है. तो ये आपको यहाँ पे जाना है. You have to go to here, new slide. Then you have to create this new slide. You have to insert. Insert title and content here because there is a title and there is a content, so you can insert here. आपको यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करना है. Title and content यहाँ पे दिख रहा है आपको. इस तरीके से slide आपको दिख रहा है. You can view the slide. They have also provided this. See here, this is a title and here is a content. Okay. Here is a title and here is a content. Is a title and is a content. So accordingly you insert this. So आपको भी insert करना है. आपने insert कर दिया title and content. You have inserted. No, nothing else you have to do. No design change, nothing. By default, you have to keep that design only. Okay? Because nothing they have mentioned. And likewise, the same design is being copied here. Okay? Next, what you have to do? Aapko kya karna hai? Next, then add the title as, then add the title. See here, friends. I will make it zoom for you. Okay? Then add the title as mentioned and write the content. Okay? Chart and diagram slides for PowerPoint. PowerPoint PPT presentation in Arial font size 12. Okay, you have to write this. आपको ये लिखना है दोस्तों. लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये कॉपी करने का नहीं मिलेगा. ये आपको पिक्चर के फॉर्मेट में मिलेगा. यहाँ पे कॉपी करने का वो लोग दे रहे हैं ऑप्शन. ऐसे हम कॉपी कर सकते हैं इसको. लेकिन एग्जाम में आपको ये कॉपी करने का नहीं मिलेगा. आपको यहाँ से देख के वहां पे कॉपी करके लिखना पड़ेगा. ओके हियर यू कांट कॉपी. हियर दे विल प्रोवाइड एन इमेज फ्रॉम वेयर यू कांट कॉपी द आइटम्स बिकॉज इफ यू विल कॉपी देन इट विल बी ईजी फॉर यू just copy and paste there, but they will not give like that. Okay, they will provide your picture and you have to see here and type here. Okay, but now for the time being I am copying it. Okay, I just want to understand you. Typing part you can do, it is easy. Typing आप खुद कर सकते हैं. तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ दोस्तों. ये आपको क्या करना है, ये वाला content जो आपको दिख रहा है यहाँ तक प्रेजेंटेशन तक की आपको एरियल फॉन्ट साइज 12, दिस यू हैव टू कीप इन एरियल फॉन्ट साइज 12. ओके इन द टाइटल पार्ट like this. So we will do in the new slide, in this title we will copy paste here. Okay, you do not have to copy paste, you have to write this. Okay, so next select this, make the font black color. Black color कर दीजिए. Arial है इसको, इसको 44 से size इसका कम करके 12 कर दीजिए. Make the size 12. Okay, it is done. Now you just enter here because ये middle में लिखा हुआ है. It is written in middle. It is written in middle. So how you can bring it to middle. So friends, it is not copied. Again, I think I should copy it again. Chart and diagram slides. Okay, so I am copying it and I will paste it here. Okay, so this, yes, this is the thing. Yahan pe aapko enter press karna hai. Press here enter so that it will come to the middle. Okay, press here enter so that it will come to the middle. Here now it is in the middle. So now what you have to do, you have to adjust this here. आपको ऐसे इसको adjust करना है ऊपर और इसको ऐसे drag कर लेना. Here drag this and make it complete. Okay, then what you have to do, you have to select, because I have made this because you can see here everything is like this. Then you have to give this color yellow.
यहाँ पे आपको एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस शेप पर, आफ्टर दिस यू गो टू शेप फिल, ओके। इन शेप फिल यू फिल दिस विथ येल्लो कलर एंड मेक द कंटेंट फॉन्ट ब्लू कलर, ब्लैक कलर, फॉन्ट को ब्लैक कलर कर दीजिए। आपका हो गया, देखिए एग्जैक्टली वही सेम हो गया। ये थोड़ा बोल्ड में है, इट इज इन बोल्ड, सो मेक इट बोल्ड बिकॉज यू कैन विजुअलाइज इट। दिस इज नॉट बोल्ड, दिस इज बोल्ड, ये आपको दिख रहा है, आपको ये नजर आना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही आपको बनाना है ना, तो प्रेस कंट्रोल बी। अब देखिए एग्जैक्टली वही सेम नजर आ रहा है आपको, एग्जैक्ट सेम नजर आ रहा है दोस्तों। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा गैप है, हियर देर इज अ गैप, हियर देर इज नो गैप, सो मेक इट अ गैप, जस्ट ड्रैग इट लिटिल बिट डाउनवर्ड्स। If you drag it little bit downwards, I think there will be a gap. थोड़ा ज्यादा हो गया, ओके, लाइक दिस यू कैन मेक। सो सी हियर, हियर वन वन स्ट्रिप इज कमिंग। इफ यू सी हियर, यहाँ पे एक स्ट्रिप आ रहा है। हाउ टू रिमूव दिस? यू कैन रिमूव दिस बाई गोइंग टू डिजाइन, देन प्रेस दिस वन, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, ओके। सो इट इज हाइडेड, नाउ इट इज गॉन। इफ यू डोंट हाइड, इट विल कम, ओके, लाइक दिस। सो हाइड इट, ये आपको चला गया। अब यहाँ पे इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया, इट इज एडजस्टेड ना, ओके, लाइक दिस यू हैव टू एडजस्ट। ये नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू इट इज नॉट डन देर इज नो नॉट मच प्रॉब्लम देयर, ओके, इट विल बी ओके, दैट मच मार्क विल नॉट बी डिडक्टेड। नेक्स्ट पार्ट, यू हैव टू इंसर्ट ए पाईग्राफ लाइक दिस। आपको ऐसे पाईग्राफ इंसर्ट करना है और ये सब कंटेंट्स लाना है। फर्स्ट पाईग्राफ, हाउ विल इंसर्ट? हियर यू कैन प्रेस ऑन चार्ट, यहाँ पे आपको चार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इंसर्ट चार्ट, यू कैन प्रेस हियर चार्ट डायरेक्टली, और यू कैन गो टू होम स्लाइड। यहाँ पे होम पे जाकर आप यहाँ पे इंसर्ट में जा सकते हैं, और इंसर्ट में जाकर यहाँ पे आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इंसर्ट चार्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से यहाँ पे चार्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आ जाइए पाई चार्ट। हियर यू कैन कम टू पाई चार्ट, देन यू क्लिक ओके। वेन एवर यू क्लिक ओके, डायरेक्टली ये पेज विल ओपन लाइक दिस, ओके, ऐसा पेज आपका खुल जाएगा। और यहाँ पे यू कैन सी यू हैव टू क्वार्टर्स, आपके पास दो ही क्वार्टर यहाँ पे है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस स्लाइड में आप लोग जब जाएंगे, आपके पास दो ही क्वार्टर है, ठीक है। तो यू रिमूव दिस फोर क्वार्टर्स, फोर क्वार्टर्स को काट दीजिए, फोर्थ और थर्ड क्वार्टर को यहाँ पे रिमूव कर दीजिए। हाउ विल यू रिमूव? क्लिक हियर एंड ड्रैग दिस, ऐसा ड्रैग कर दीजिए और नीचे का पार्ट को डिलीट कर दीजिए, डिलीट दिस, सो देयर आर टू क्वार्टर्स नाउ, ओके। मेक दिस सेल परसेंटेज सेल, इसको परसेंटेज कर दीजिए, ओके, एंड इसको आप कितना कर दीजिए, दिस इज 15%, मेक इट 15%, एंड अनदर 15% एक हुआ तो दूसरा कितना होगा 85%, और 15% जो है वो क्या है, 15% सेल्स वेंट टू शुगर। तो ये है आपका शुगर कुकीज, दिस इज योर शुगर कुकीज, एंड दिस वन इज योर चॉकलेट कुकीज, ये आपका है चॉकलेट कुकीज, ठीक है, चॉकलेट कुकीज, ओके। सो नाउ क्लिक हियर, इट विल बी एडजस्टेड, इट इज एडजस्टेड नाउ, 15%, 85%, ओके। सो लेट अस गो टू द पेज, ये आपका पेज आ गया, देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो गया ऑलरेडी, ठीक है। इसका कलर वो नहीं है, द कलर इज नॉट दैट वन, सो हाउ विल यू डू इट? सिलेक्ट, क्लिक ऑन दिस, गो टू योर डिजाइन, यहाँ पे डिजाइन पर जाइए, क्लिक ऑन द फर्स्ट कलर, सी एग्जैक्टली द सेम कलर इज देयर। Now it is 15% written. How will you do that? 15% यहाँ पर लाना है, क्या करना है आपको, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, क्लिक here, राइट क्लिक, देन क्लिक एड लेवल्स, सी हियर लेवल्स आर एडेड, लेवल्स आर एडेड, यहाँ पे लेवल आपका एड हो गया 15%, लेकिन यहाँ पे 85% भी आ जा रहा है। तो आपको क्या करना है, क्लिक here, राइट क्लिक, देन डू नॉट राइट क्लिक, क्लिक here, डबल क्लिक ट्वाइस। इफ यू डबल क्लिक ट्वाइस, दिस ऑप्शन विल कम हियर, अनचेक दिस बॉक्स, इस बॉक्स को अनचेक कर दीजिए, वैल्यू आपको नहीं चाहिए, बस अब क्लोज कर दीजिए दोस्तों। अब देखिए चला गया, ठीक है, नाउ यू गॉट इट 15% दिस वन। तो अप टू दिस वी हैव डन, नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, यू नीड टू डिलीट दिस वन, प्रेस दिस डिलीट, सेल्स डिलीट, ओके। सो इट इज डन लाइक दिस, दिस इज आवर आंसर स्लाइड एंड दिस वी आर प्रिपेयरिंग, ओके। सो यू कैन नाउ एडजस्ट द साइज एंड दिस ऑल थिंग्स, यू जस्ट मेक इट लार्ज, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए ड्रैग करके, इसको ऐसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ओके, लाइक दिस, ओके, सी हियर, एंड यू कैन एडजस्ट दिस वन, इसको थोड़ा बीच में ले आइए इस तरीके से, ओके, लाइक दिस यू कैन एडजस्ट, दिस विल नॉट रिड्यूस एनी मार्क्स, ओके, बी अश्योर ऑफ दैट। अब इसके साइज को आपको छोटा करना है, यू हैव टू मेक दिस साइज स्मॉलर, बिकॉज सी हियर विद इन दिस बॉक्स वन मोर फॉन्ट इज देयर इन टेक्स्ट एंड हियर टू टेक्स्ट आर देयर, सो आई विल एडजस्ट, यू हैव टू क्लिक हियर,
कहीं पे भी आप ये प्लॉट एरिया यहाँ पे क्लिक कीजिए, या फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे, तो आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं इस तरीके से बॉक्स आ जा रहा है, ठीक है। और कहीं पे करने से नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे नहीं आएगा, बीच में नहीं आएगा। वेर एवर यू क्लिक इट विल नॉट कम द बॉक्स टू रिड्यूस द साइज इफ यू क्लिक ऑन दिस कॉर्नर्स, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर और दिस कॉर्नर लाइक दिस, और हियर और हियर और हियर, देन दिस बॉक्स विल अपीयर, ये बॉक्स होगा, यहाँ से आप साइज यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दिस यू कैन मेक एडजस्ट, ओके। सो आई हैव एडजस्टेड दिस लिटिल बिट स्मॉलर लाइक दिस, ओके। आई थिंक इट इज मैचिंग, आपका मैच कर रहा है साइज, ठीक है, साइज आपका मैच कर रहा है, लगभग मैच कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है साइज, यू हैव टू जस्ट मैच, ओके। देन यू नीड टू इंसर्ट दिस टेक्स्ट बॉक्स, व्हाट इट इज रिटन, यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देन इट इज रिटन इंसर्ट ए स्क्वायर शेप एंड राइट कंटेंट कुकीज सेल्स चॉकलेट चिप्स वर्सेस शुगर कुकीज, 15% सेल्स वेंट टू शुगर चॉकलेट चिप रूल्स, ओके। तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आई एम कॉपिंग हियर, बट इन द एग्जाम यू हैव टू राइट इट, ओके, आपको लिखना पड़ेगा। एरियल फॉन्ट साइज 10, ओके। सो लेट अस सी, सो क्लिक हियर, इंसर्ट, इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, देन क्लिक हियर, यहाँ पे चार्ट एरिया, क्लिक हियर इन द चार्ट एरिया, देन टाइप दिस थिंग, ओके, यू हैव टू टाइप इट, देन सिलेक्ट, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, और यहाँ पे साइज को फॉन्ट साइज 10 कर दीजिए, मेक इट 10 एंड एरियल, ओके। नाउ रिड्यूस द साइज लाइक दिस, इफ यू रिड्यूस द साइज इट विल ऑटोमेटिकली कम इन दिस शेप, इस शेप में आ जाएगा। अब इसको आप लेफ्ट अलाइन कर दीजिए, और सी हियर कुकीज सेल्स, इट इज कमिंग लाइक दिस कुकीज सेल्स, तो यहाँ पे एक एंटर हेट हिट एंटर हियर, बिकॉज यू हैव टू एग्जैक्टली मेक दिस कुकीज सेल्स इन वन फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन चॉकलेट चिप्स वर्सेज शुगर, तो सेकंड लाइन में आपका इतना होता है चॉकलेट चिप वर्सेस शुगर है, परफेक्ट। थर्ड लाइन कुकीज फुल स्टॉप, देन 15% सेल्स वेंट टू, सो आफ्टर वेंट टू देयर विल बी, सो वेंट टू, सो नियर वेंट प्रेस डिलीट बटन वंस, ओके, इट इज नॉट कमिंग। सो क्या करना है आपको, थोड़ा इसको साइज बढ़ा देना है, जस्ट इंक्रीज द विड्थ लिटिल बिट, सो टू विल कम हियर, ओके, वेंट टू, यस वेंट टू, आफ्टर दैट शुगर चॉकलेट चिप रूल्स, तो शुगर चॉकलेट चिप रूल्स, सो आफ्टर रूल्स हिट अनदर डिलीट, इट इज कमिंग बट इट इज गोइंग अगेन एंटर, सो जस्ट लिटिल बिट इंक्रीज द विथ, यस नाउ इट इज कमिंग, ओके। नाउ यू कैन सी एग्जैक्टली द सेम थिंग, वॉट एवर इज रिटन वी हैव डन लाइक दैट। नाउ यू हैव टू गिव वॉट, यू हैव टू गिव योर शेप, शेप फिल, गिव दिस शेप फिल, ओके, दिस वन, आई थिंक दिस वन, यस, एंड चेंज इट्स कलर टू ब्लैक, फॉन्ट कलर ब्लैक कर दीजिए। अब देखिए एग्जैक्टली वो हो गया आपका, दिस वन इज सेम, ओके, एंड द स्पेस इज दिस मच, सो यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर मेंटेन दैट मच स्पेस, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट इट इज देयर, नेक्स्ट इट इज आस्किंग अबाउट दिस वन, नेक्स्ट इट इज सेइंग दैट बिलो पाई चार्ट, ओके, नो, आफ्टर दैट दिस वन इज ऑल्सो कंटेंट, पाई चार्ट डेटा ड्रिवन, ओके, पाई चार्ट डेटा ड्रिवन, ओके, दिस वन, सो लेट अस कॉपी इट, यू विल नॉट हैव दिस ऑप्शन टू कॉपी, ओके, दिस वन यू हैव टू राइट इट, आपको उसको टाइप ही करना पड़ेगा, ओके, इसको कॉपी करेंगे तो ये एग्जैक्टली इसमें कुछ फॉन्ट वगैरह नहीं लिखा गया, तो आप कोई भी फॉन्ट दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट दिस फॉन्ट यू कैन टेक, ओके, इफ नो फॉन्ट इज मेंशन फॉर दिस पार्ट, सो डायरेक्टली विच फॉन्ट इट इज टेकिंग लीव दैट वे, ओके, डोंट चेंज एनीथिंग, जो फॉन्ट आप इसका आ रहा है बाय डिफॉल्ट उसी को छोड़ दीजिए, बाकी कुछ चेंज मत कीजिए, इसका साइज थोड़ा कम कर दीजिए, मेक इट 12 और 10 अकॉर्डिंगली, ओके, सो मेक इट 12, ओके, देन एडजस्ट इट लाइक दिस, यहाँ पे देखिए थोड़ा ये इस तरफ को है, लिटिल बिट दिस साइड फ्रॉम दिस वे, सो मेक इट हियर ऑल्सो दैट वे, ओके, इट इज लाइक दैट ओनली, ओके, परफेक्ट, एक्सलेंट, इट इज डन। नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट इट इज, दिस पार्ट यू हैव टू इंसर्ट, ओके, अगेन इट्स साइज एंड एवरीथिंग यू हैव टू इंसर्ट, सो इट इज सेइंग हियर बिलो पाई चार्ट राइट द कंटेंट, ए पाई चार्ट इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू, सो दिस वन आई एम कॉपिंग, यू हैव टू राइट टाइप इन योर एग्जाम, ओके, एरियल फॉन्ट साइज 12, ओके, विल गो हियर, सो वी विल नाउ इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स आपको इंसर्ट करना है, आपको टाइप करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए, देखिए दोस्तों, ठीक है, पेस्ट, फॉन्ट साइज
साइज कितना था यहाँ पे हमारा, साइज वाज 12, एरियल फॉन्ट साइज 12, ओके। तो हमको यहाँ पे जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट दिस, कंट्रोल ए, मेक इट एरियल एंड फॉन्ट साइज मेक इट 12, ओके, एंड योर फॉन्ट कलर मेक इट रेड, ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो नाउ जस्ट एडजस्ट इट लाइक दैट यू आर सीइंग इन द एग्जाम पेपर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, सो ए पाई चार्ट इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स व्हिच ईच रिप्रेजेंट्स अ पोर्शन प्रोपोर्शन ऑफ द सर्कल। सो ऑफ द होल दिस पार्ट इज बिलो, ओके। सो यू हैव टू मेक हियर ऑल्सो दैट वन, यहाँ पे भी आपको ऐसे करना है। कैसे आप करेंगे, जस्ट आफ्टर ऑफ द होल प्रेस एंटर, इट विल लुक लाइक दिस, ओके, इट विल लुक लाइक दिस, हो गया आपका, हो गया। या फिर आप ऐसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इसको हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक दैट। सो आई थिंक वी हैव डन विद द प्रेजेंटेशन, ओके। सो आई होप लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट योर प्रेजेंटेशन इन द एग्जामिनेशन, ओके। लिटिल बिट केयरफुल इज रिक्वायर्ड, ओके, लिटिल बिट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। सो लाइक दिस यू कैन इंसर्ट, सपोज दे हैव गिवन योर पाई चार्ट, दे विल आस्क सम अदर चार्ट, यू कैन इजिली डू इट। यहाँ पे उन्होंने पाई चार्ट दिया है, अगर कुछ और चार्ट बोलेंगे इंसर्ट करने के लिए, आप कर नहीं सकते, इजिली कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इंसर्ट पे जाइए, चार्ट पे जाइए, कोई भी चार्ट आपको चाहिए वो ले लीजिए, एनी चार्ट यू वांट, यू टेक दैट चार्ट, कॉलम चार्ट सपोज, और डफ नॉट चार्ट, पाई चार्ट, मेनी चार्ट्स आर देयर। इन पीपीटी आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग विद यू, एवरी ट्यूटोरियल इज डिस्कस्ड, सो एवरी फंक्शन इज डिस्कस्ड। डू प्रैक्टिस, डू वॉच दैट वीडियो रेगुलरली, थ्राइस और ट्वाइस, देन प्रैक्टिस ऑन योर ओन, ओके, यू कैन इजिली क्रैक द एग्जाम, नथिंग इज न्यू, ओके, इजिली यू कैन डू इट। जस्ट बी काम, रिलैक्स इन द एग्जामिनेशन, काम रहिए, रिलैक्स रहिए, ओके, टेंशन फ्री रहिए, आराम से आप लोग कर सकते हैं, ओके, चिल, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप सभी का बिल्कुल से जॉब हो जाए, नौकरी हो जाए, यही मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा भगवान से, ओके। आई विल प्रे टू गॉड दैट ऑल ऑफ यू गेट सिलेक्टेड एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट विथ फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू ऑल, लव यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।